बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हजर। वालेकुम सलाम। कराची से हुईज बात कर रहा हूँ, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। जी जी जी। अच्छा, एक तो सवाल ये करना था, वो हजरत आपसे वो टाइम चाहिए था, वो प्रॉपर्टी के सिलसिले में कुछ जरूरी बात करनी थी, अपडेट देनी थी, क्योंकि ये लोग ने मुझे बहुत परेशान कर रखा हुआ है, और ये जहाँ पे मैं रिहाइश पजीर हूँ वो मुझे यहाँ से मतलब बेघर करना चाहते हैं। और अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो है वो मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरीके से पैदा हो, इसके लिए कोई वजीफा बता दीजिए। और तीसरी चीज ये कि वो मैं जरा माजर चाहता हूँ, वो जो मैंने कशकोल मार्फत में जो कहा वो आजराय मजाक आपसे कहा, वो मैसेज आपके व्हाट्सएप पे जो मैसेज नहीं मैसेज किया था उसका रिप्लाई नहीं आया, तो वो मैंने इसलिए वो बात कही थी। फिर भी और आपसे दुआओं की दरख्वास्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैस जो है कराची पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आपकी मोहब्बत और कबूल फरमाए। बाकी के पहला जो सवाल है कि प्रॉपर्टी के हवाले से आपको बात करना चाहते हैं लेकिन वो लोग आपको वहाँ से निकालना चाहते हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आप नोट कर लें कि जो ऐसी हरकत कर रहे हैं दुश्मन, उनकी नीयत करके आप 101 दफ़ा सोने से पहले या फजर के बाद पढ़ें, नसरु मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नसरु मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये सूरह सफ़ की आयत नंबर 13 के अंदर जो है ये टुकड़ा मौजूद है, तो नसरु मिनल्लाहि व फतहुन करीब 101 दफ़ा पढ़ के तो तसव्वुर में दुश्मनों को ला के अपने सीने पे 3 दफ़ा फूंके, तो ये करें, इससे इंशाल्लाह दुश्मन जेर होंगे और आपको किसी किस्म के से जो है वो निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जो है वो टेलीफोन आप करते रहिए, वीकडेज़ में मंडे से लेकर जो है और थर्सडे तक जो है कोई वक्त होगा इंशाल्लाह हमारी बात हो जाएगी, उसमें जो भी डिटेल होगी आप उसमें समझ लें। और उसके अलावा आपने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके हवाले से जो है वो कुछ आप पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए सूरह कुरैश, सूरह कुरैश जो है वो सुबह शाम आपने 7-7 दफ़ा 7 टाइम पढ़ के सीने पर दम करना है। सुबह फजर के बाद 7 टाइम पढ़ के सीने पर फूँकें, इस तरह रात को मगरिब ईशा के बाद 7 टाइम पढ़ के अपने सीने फूँकें, अव्वल आखिर जो है वो 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो ये जो 41 दिन पाबंदी से करें, इससे इंशाल्लाह आपके अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा, कुव्वत पैदा होगी, डर खौफ ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो तीसरी बात है अजराए मज़ा, आपने एक बात की थी तो कोई बात नहीं, मैं मसरूफियत में आपको जवाब नहीं दे सका, लेकिन आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए।